वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा अमरीका। वज़ीर-ए-आज़म से अमरीकी नुमाइंदे ख़ुसूसी ज़ल्मे ख़लीलज़ाद की मुलाकात। मुलाकात में अफगान अमन अमल पर भी तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद तफ़सीलात जानते हैं न्यूयॉर्क से अपने नुमाइंदे खुर्रम शहज़ाद से। खुर्रम बताइएगा, अहम मुलाकात थी, कौन से अमूर ज़ेरे गौर आए? जी बिल्कुल, अफगान की जो पीस प्रोसेस है उसको ज़ेरे गौर कर लाया गया। पाकिस्तान का जो रोल है उसके अंदर, पाकिस्तान की जो खिदमत है, तो पाकिस्तान फ्यूचर में जो चाहता है के अंदर अमन आए उसके ऊपर बात हुई। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तान पहले दिन से ही अफगान पीस प्रोसेस का डायलॉग के जरिए जो हल था उसके लिए पाकिस्तान ने कोशिशें की हैं, और अब अमरीका इसके ऊपर डायलॉग करना चाह रहा है और हम पूरी तौर पर तैयार हैं। ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने इमरान खान और पाकिस्तानी अवाम का खासतौर पर शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने हर सतह पर पाकिस्तानी अवाम ने अफगानिस्तान और पीस प्रोसेस की जो सपोर्ट की है उसके ऊपर। इसके अलावा इमरान खान का ये भी कहना था कि जहाँ पे जो पीस प्रोसेस के अंदर जो अफगानिस्तान की हुकूमत है और तालिबान के दरमियान जो मामला हैं वो डिसकंटिन्यू हुआ, जिसका पाकिस्तान को अफसोस है, लेकिन इस सारे अमल के अंदर पाकिस्तान हर सतह के ऊपर अमेरिका के साथ, अफगानिस्तान हुकूमत के साथ और इसके जो रिलेटेड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ टेबल पर बैठ के हर सतह पर इंफॉर्मेशन शेयरिंग हो या दूसरे मामला हो उसके अंदर ताउन करने के लिए तैयार है। और उनका यह भी कहना था कि तालिबान के साथ पाकिस्तान ने हमेशा से पहले दिन से ही यह रवैया रखा है कि उनको टेबल पर लाना चाहिए, तो किसी भी चीज़ का जंग के जरिए हल नहीं हो सकता। तो इसके ऊपर ज़ल्मे ख़लीलज़ाद ने कहा कि अब हम सतह पे है, हम अमेरिका की यह अप्रोच है कि इस सारे मामले को डायलॉग के जरिए हल किया जाए ताकि हिस्से के अंदर अमन है। जो अवाम ने जो सफर किया है, अफगानिस्तान के अवाम ने जो सफर किया है उसकी अब रिलीफ मिलना चाहिए। और उन्होंने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ रिफ्यूजीज को कम्प्लीट, जो अफगान रिफ्यूजीज हैं उनको अपने अंदर सेटल किया, बल्कि अफगानिस्तान के जो पीस प्रोसेस है पहले दिन से लेकर अब तक उसके अंदर हर सतह के ऊपर कोऑपरेशन की है। बेशक वो इंटेलिजेंस शेयरिंग हो, बेशक वो दूसरे मामला हो जिसके अंदर तालिबान को टेबल पर लेके आना था, तो उनका ये कहना था कि हम देख रहे हैं कि मुस्तकबिल के अंदर इसके अंदर बेहतरी आएगी। जी अच्छा खुर्रम शहज़ाद, ये तो थी मुलाकात ज़ल्मे ख़लीलज़ाद के साथ। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का 7 रोज़ा दौरा है। वज़ीर अपना अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी मुलाकात करेंगे और जनरल असम्बली के इजलास में भी शिरकत करेंगे। बताइएगा मज़ीद क्या मसरूफियात रहेंगी उनकी? जी बिल्कुल, आज अभी से थोड़ी देर बाद ही जो रेड क्रॉस है उसके जो प्रेसिडेंट है यहाँ पे उसके साथ भी मुलाकात करेंगे, उनको बताएंगे, उनके साथ बात करेंगे, इंसानी हकूक की जो हलाबर्तियाँ हो रही हैं कश्मीर की उसके ऊपर उससे बात करेंगे। इसके अलावा जो इंसानी हकूक की जो यहाँ पे तंजीमें हैं उनके साथ भी कश्मीर के मामले के ऊपर बात करेंगे। कल पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात है। उस मुलाकात से आधा घंटा पहले चीन के वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात है। जो तुर्की के वज़ीर आज़म हैं उनके साथ भी मुलाकात है। उसके अलावा तुर्की के प्रेसिडेंट के साथ भी मुलाकात है और मलेशिया और तुर्की के साथ मिलकर पाकिस्तान एक इस्लामोफोबिया के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस है उसको भी लीड कर रहा है। और जो प्राइम मिनिस्टर की जो इंगेजमेंट है यहाँ पे जो इंटरनेशनल मीडिया है, अहम मुलाकातें होंगी। बहुत शुक्रिया खुर्रम शहज़ाद, आप हमें अपडेट कर रहे थे।